अगली खबर भी चुनावी सभा से जुड़ी हुई, मध्य प्रदेश से, जहां चुनावी सभा को संबोधित करने जाने के पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम विष्णुदेव साय ने प्रथम चरण के चुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के बारे में दिए बयान में कहा कि कांग्रेस के लोगों का दिमागी संतुलन खराब हो गया है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ अशोभनीय और अलोकतांत्रिक बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में हार रही है और इसलिए पूरी तरह से बौखलाई हुई है। अब इन लोगों का तो समझ में नहीं आता है, अब अंत की ओर जा रहे हैं और उनका सबका दिमागी संतुलन गड़बड़ाया है और इसलिए कुछ भी बोल रहे हैं। बस्तर में हुए लोकसभा चुनाव को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि वहां शांतिपूर्वक 67% मतदान हुआ। सीएम साय ने विश्वास जताया कि बस्तर में अवश्य ही बीजेपी प्रत्याशी की जीत होगी। प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा का मतदान था और बड़े अच्छे से मतदान संपन्न हुआ है और 67% मतदान वहां पर हुआ है और हमको पूरा विश्वास है कि बस्तर लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर में पड़े वोट प्रतिशत को लेकर जीत का दावा तो अवश्य किया है, लेकिन अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ के प्रथम चरण में हुए बस्तर सीट पर बीजेपी बाजी मारती है या कांग्रेस। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।